सभी विद्यार्थियों को नमस्कार एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आ जाइए संकल्प ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई सब में में शानदार शानदार सिलेक्शन सिलेक्शन दिए हैं राजस्थान पुलिस आपने देख लिया और अब 21 तारीख को 21 सितंबर को सुबह नौ बजे बहुत बड़ा एक सेमिनार करने जा रहा है संकल्प तो जो भी प्रतिभागी राजस्थान पुलिस या ग्राम सेवक या जीडी की तैयारी कर रहा उसका मोस्ट वेलकम रहेगा और यहां पर जब आप आओगे तो एक आपको राजस्थान पुलिस की बुक बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा और जो रीट के प्रतिभागी हैं जब आपका रीट का एग्जाम हो भगवान करे बहुत शानदार एग्जाम हो आप सिलेक्शन हो आपका आप थर्ड ग्रेड जब अध्यापक बने तो उसके बाद में द्वितीय श्रेणी और फर्स्ट ग्रेड की वापिस भर्ती आ रही है तो उसमें भी संकल्प में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा अट्ठाइस तारीख से नए बैच शुरू होंगे अट्ठाईस तारीख को द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता का भी एक बहुत बड़ा सेमिनार संकल्प करेगा आज मैं टॉपिक लेके आया हूं बुद्धि बुद्धि के अंदर एक टॉपिक का सब पॉइंट मान लो कि वो है बुद्धि के सिद्धांत अठारह बीस सिद्धांत है एक पर्सन आएगा और मैं ये कहता हूं कि पूरा ध्यान से बार बार दोहराते रहना एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा तो एक क्वेश्चन आ जाए और वो आप सही करके आ जाओ तो मैं ये मानूंगा कि जो मैंने आपके लिए मेहनत की वो मेरी मेहनत सफल हुई यदि वीडियो अच्छा लगे आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो और ग्रुपों में भी शेयर करना लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना यदि आप करोगे ये तरीका तो भाई पांच छह दिन में, में पांच छह छोटे छोटे वीडियो ऐसे और भी आऊंगा तो शेयर कर दीजिए सबसे पहले याद कराऊंगा ये फाइनल है आज बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत आपसे पूछे कि बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया अल्फ्रेड बिने ने दिया अब इसको याद भी तो करना है कि एक खंडीय सिद्धांत बिने ने दिया याद कैसे करेंगे कि एक काउंटिंग शुरू करो एक से अल्फाबेट ए ए से और वर्ण वाला ए आ तो ए एक खंडीय ए से एक खंडीय अल्फ्रेड बिने अल्फ्रेड बिने। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं बुद्धि का द्विखंडीय सिद्धांत किसने दिया अब आपके सामने चाहे बुद्धि का द्वि आ जाए, चाहे बुद्धि का त्रिखंड आ जाए, आप कैसे याद रखोगे आप ऐसे याद रखो कि बुद्धि के दो खंड और तीन खंड को स्पेयर में रखना है बुद्धि के दो और तीन खंडों को स्पेयर में रखना है में कि बुद्धि का एक खंड ए से ऐसे अल्फ्रेड भी नहीं और बुद्धि के दो और तीन खंडों को स्पेयर में रखना है बहु कारक सिद्धांत थारंडाइक नहीं मात्रा सिद्धांत थारंडाइक नहीं अब याद कैसे करें अरे भाई याद क्या करना है कि कारक में बहुत सारी मात्रा थारंडाइक नहीं बताई थी कारक में बहुत सारी मात्रा थारंडाइक नहीं बताई थी याद हो गया कारक में बहुत सारी मात्रा थारंडाइक नहीं बताई दो और तीन खंडों को स्पेयर में रखना है एक खंडीय अल्फ्रेड भी फिर हम बात करें प्रतिमान सिद्धांत प्रतिमान सिद्धांत थोमसन नहीं याद हुआ प्रतिमान सिद्धांत थोमसन। अरे भाई थोमसन के प्रति मान रखो थोमसन के प्रति मान रखो तो प्रतिमान किसके प्रति मान रखना है थोमसन के प्रति मान रखना है पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत पदानुकर्मिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट वर्णन ने दिया था इसको वैसे याद रख लो पदानुकर्मिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट वर्णन ने दिया समूह में चलना समूह में चलना तो थ्रस्टन ने बताया था कि समूह में चलो भाई समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था समूह में चलना तो थ्रस्टन ने बताया था समूह में चलना किसने बताया थ्रस्टन ने बताया प्रति किसके प्रतिमान थॉमसन के प्रतिमान, पदानुकर्मिक महत्व का सिद्धांत बर्ट वर्णन ने दिया मानसिक योग्यता का सिद्धांत अरे बहु की मान ले के ली। अरे वो केली बहु की मान कि बहु की कौन मानेगा केली मानेगी केली बहु की मान बहु केली की मान बहु मानसिक मान योग्यता केली की है बुद्धि का ए या व सिद्धांत हेब ने दिया ऐसे याद करें बुद्धि का ए या बे 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 ने दिया हब ने दिया हेब ने दिया बुद्धि का ए या बै, बै। अब नहीं बोलना ए या बे को जोड़ेंगे तो अब बनता है अब नहीं हब जोड़ दो हब ने दिया हेब ने दिया तो याद हो सकता है अब बात करते हैं बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत स्टनबर्ग ने दिया था इसको वैसे ही याद रखना पड़ेगा बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया तो आपके देना स्टनबर्ग ने दिया था बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था आपसे पूछ ले त्रि या त्रिअंशीय सिद्धांत त्रि आयामय या त्रिअंश एक ही बात है तीन आयाम या अंश तीन आमों को किसने फोड़ा तीन आमों को किसने फोड़ा गिलफोड ने फोड़ ने फोड़ दिए तीन आयाम त्री अंश गिल फोड़ याद रख लेना बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम ने दिया अब याद भी करना है कि याद कैसे करें कि बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम ब्लूम। एक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गुब्बारे को बैलून बलून बैलून और बैलून एकदम से फूटा आश्चर्य हुआ एकदम से फूट गया तो आश्चर्य होगा कि ब्लूम, बैलून एकदम से आश्चर्य होगा ऐसे याद रख लो बहुत सारे बुद्धि वाले लोग गार्डनर में घूमते रहते हैं कुछ आई बात समझे बहुत सारे बुद्धि वाले लोग बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया ये कह दो कि बहुत सारे बुद्धि वाले लोग तो गार्डनर में घूमते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया बहुत सारे बुद्धि वाले लोग गार्डनर में घूमते हैं और जो हब का केटल था ना वो आधुनिक बुद्धि का था कि आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया हब ने दिया वह केटल ने दिया या मैं कह दूं कि बहुत, ये बहुत सारे बुद्धि वाले लोग तो गार्डनर में घूमते हैं और हब का जो केटल था वो आधुनिक बुद्धि का था हब का केटल आधुनिक बुद्धि का था फिर हम बात करें संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन प्याजे का है अब आप कहोगे सर इसको भी तो याद कराओ फिर हमें कि संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन प्याजे ने, ने दिया याद कैसे करें अरे याद क्या करना है प्याज की संज्ञा याद रखनी है प्याज की संज्ञा याद रखनी है कि संज्ञा किसकी याद रखोगे प्याज की याद रखनी है कारक में बहुत सारी मात्राएं तो थौंड ने बताई थी कारक में बहुत सारी मात्रा तो थारणाइक ने बताई थी यानी बुद्धि का जो अपने कहे कि बहु कारक का सिद्धांत और मात्रा सिद्धांत तो किसने दिया था थारण ने दिया था तो कारक में बहुत सारी मात्रा तो थारणाइक ने बताई और संज्ञा प्याज की याद रखनी है और जब ऑफलाइन में पढ़ने आओ तो संदीप सोनी सर की संज्ञा याद रखनी है हिंदी वाली सर सोनी सर तो क्लास में तो संज्ञा सोनी जी की याद रख लेना लेकिन वैसे संज्ञा प्याज की याद रखनी है तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत दिया और रीड पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए जो रीड की हड्डी होती है ना उस पर शंका नहीं करनी चाहिए एक बार टूट गई तो कहानी खत्म है शंकाय सिद्धांत रीड ने दिया था संकाय सिद्धांत रीड ने दिया था और रीड पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए त्रि अंश आजय या त्रि आयामी त्रि आ जाए या फिर आपका त्रि आयामी आज तो गिलफोर्ड गिलफोर्ड धारा प्रवाह का स्पष्ट सिद्धांत केटल केटल था ना वो स्पष्टवादी था वो स्पष्ट और धारा प्रवाह में बोलता था केटल वो स्पष्ट और धारा प्रवाह में बोलता था केटल धारा प्रवाह केटल पशु मान लो सही धारा में चलते हैं पशु प्रवाह के रूप में याद रखना है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है चलो अब आपको कितना याद हुआ भी ले लेते हैं यह रहा आपके सामने क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बुद्धि का एक खंड थोंडाइक ने दिया बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत ने, ने दिया या बहुकारक सिद्धांत ने दिया कौन सा सही सुमेलित नहीं है अब जो मैंने ट्रिक बताइए आप कोशिश कीजिए उसको अप्लाई करने की ताकि आपको और अच्छा याद हो जाए बताइए बताइए इसका सही आंसर ए बी सी डी सही आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए क्यों क्योंकि बुद्धि का एक खंड ए पर नहीं ए पर शुरू होता है उसका आंसर और वो है अल्फ्रेड बिने अल्फ्रेड बिने ने दिया था और दो तीन खंडों को तो स्पेयर में रखना था और बहुत सारे कारक बहुत सारी मात्रा तो थारण ने बताई थी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन का पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत सीरिल बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थर्नडाइक का, का, का। बताइए सही आंसर क्या है सही आंसर दीजिए प्रतिमान ए बी सी डी सही आंसर क्या होगा हमने याद किया था कि भाई थॉमसन के प्रतिमान रखना है दानुक्रमिक हमें सीधा याद रखना था सीरबर्ट वर्णन समूह है में रहना तो सिखाया और बहू की मान केली केली की बहू याद रह जाएगा ना तो बहू किसकी मानेगी केली की तो इसके अंदर थानक नहीं आएगा केली तो इसका सही आंसर था डी नेक्स्ट बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत ने बुद्धि का त्रि अयामय सिद्धांत गिलफोर्ड ने बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ने बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी या डी और मैंने जो ट्रिक बताई अप्लाई करो आपको बहुत आसान लगेगा और मैं ये तो कहता हूं कि भाई एक मिनट में तो याद नहीं होगा लेकिन एक बार दो बार वीडियो देखोगे तो याद होगा और शेयर तो करना ही करना है आपको अच्छा लगाओ शेयर करना कर भला हो भला अंत भले का भला तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत टन वर्ग ने दिया था बिल्कुल और तीन आम त्री आयाम त्री तीन आम आए चे तीन अंश आए गिलोड़ आएगा और बुद्धि आश्चर्य कोई थ्रस्टन से थोड़ी होता है आश्चर्य तो बेलून से होता है जब वो ब्लास्ट होता है ब्लूम ब्लूम है ना आश्चर्य कब होगा जब ब्लूम बहुबुद्धि बहुत सारे बुद्धि वाले लोग गार्डनर में घूमते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम ने दिया संकाय सिद्धांत रीड ने दिया जेपी गिलफोर्ड ने दिया या धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत केटल ने दिया सही आंसर दीजिए ए बी सी या डी सही आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर तो इस क्वेश्चन में देखिए यह बताओ संज्ञा किसकी याद रखनी थी प्याज की संज्ञा किसकी याद रखनी थी प्याज की अरे भाई प्याज जीन प्याजे की संज्ञा याद रखनी थी रीड की हड्डी पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए तीन आम आए चे तीन अंश आए गिल के हैं और केटल स्पष्टवादी था सीधा धारा प्रवाह में बोलता था तो याद हो गया ना तो ए आंसर इसका होगा कि संज्ञा किसकी थी प्याज की थी आपको वीडियो कैसा लगा मेन कमेंट बॉक्स में आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी हौसला बढ़ेगा चलो मेरा एक छोटा सा प्रयास हालांकि एक छोटा सा बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि एक कतरा भर प्रयास मैंने किया है आपके लिए लेकिन एक पर्सन भी मेरे पढ़ाई में से आ गया तो मेरे प्रयास में अपने आप को सफल मानूंगा लेकिन वो पर्सन आप सही करके आओ तब वो प्रयास सफल होगा तो 21 सितंबर को यदि आप भी चाहते हैं राजस्थान पुलिस या ग्राम सेवक की अच्छी तैयारी करने भाई को तो मोस्ट वेलकम रहेगा और जो सब इंस्पेक्टर के पेपर दे चुके हैं आर एस में उनका मोस्ट वेलकम है मात्र इक्कीसो रुपए में पूरा कोर्स करवाया जा रहा है रोजाना आठ से दस घंटे क्लास होती है व्याख्याता भर्ती द्वितीय श्रेणी पीटीआई में शानदार सिलेक्शन देने के बाद में द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड के हम नए बैच शुरू करने जा रहे हैं 28 सितंबर से तो 21 तारीख को 21 सितंबर को सुबह नौ बजे महासेमिनार का आयोजन कर रहा है संकल्प राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक के लिए तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइए लाइक तो करना ही करना है शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना है जय हिंद जय भारत तो नमस्कार